हेलो गाइस एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी। तो फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं सारिंगपुर धाम, जहाँ कष्टभंजन देव का बहुत बड़ा मंदिर है। तो इस वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिएगा। विशाल और भव्य किले की तरह बने एक भवन के बीचों बीच कष्टभंजन देव का अति सुंदर और चमत्कारिक मंदिर है। गुजरात के भावनगर के साहिंगपुर में विराजने वाले कष्टभंजन हनुमान यहाँ महाराजा धीराज के नाम से राज करते हैं। वे सोने के सिंहासन पर विराज कर अपने भक्तों की हर मुराद पूरी करते हैं। कहते हैं कि बजरंग बली के इस दर पर आकर भक्तों का हर दुख, उनकी हर तकलीफ का इलाज हो जाता है। फिर चाहे बात बुरी नजर की हो या शनि के प्रकोप से मुक्ति की। जानिए हनुमान जी के मंदिर का प्राचीन इतिहास। श्री कष्टभंजन देव साड़िंगपुर हनुमान मंदिर। साड़िंगपुर गुजरात के बोटाद जिले के बरवाड़ा तालुका के साड़िंगपुर गांव में स्थित भगवान हनुमान जी का एक मंदिर है, जिसे साड़िंगपुर के हनुमान के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर स्वामीनारायण संप्रदाय के नेतृत्व में आता है। मंदिर के इष्ट देव कष्टभंजन हनुमान दादा की मूर्ति स्वामीनारायण संप्रदाय के गोपालानंद स्वामी द्वारा स्थापित की गई थी। तभी हनुमान जी का शरीर कांपने लगा। तब गोपालानंद स्वामी ने मूर्ति को लकड़ी की छड़ी से ठीक किया और देवता को स्थापित कर दिया। उस समय से भक्त, भूत, राक्षस, चुड़ैल को नष्ट करने के लिए इस मंदिर में आते हैं। नए प्रकार के मंदिर का निर्माण शास्त्री जी महाराज ने करवाया था। सारंगपुर हनुमान मंदिर नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए सबसे प्रसिद्ध है। यहाँ भूत प्रेत से पीड़ित व्यक्ति को उनके परिवार के सदस्य लाते हैं। भक्तों के अनुसार ऐसे लोग जैसे ही हनुमान जी के मूर्ति के सामने आते हैं और उनकी आंखों में देखते हैं, वे बुरी शक्तियों से मुक्त हो जाते हैं। इस मंदिर में शनिवार को विशेष पूजा की जाती है। हालांकि यहाँ मानसिक रूप से परेशान लोगों की समस्या भी दूर हो जाती है। इन लोगों को मूर्ति के सामने खड़ा किया जाता है और उन्हें दंडात्मक स्पर्श दिया जाता है। इस दंड का उपयोग स्वामी गोपालानंद ने मूर्ति को स्थापित करके समय किया था। मूर्ति को डंडा के स्पर्श से शुद्ध किया गया था। यह दंड हास्यास्पद। यहाँ बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए मंदिर में ठहरने वो प्रसाद की व्यवस्था भी की जाती है।
अगर आप ऐसे ही मजेदार जगहों को देखना चाहते हैं और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। जय कष्ट भंजन देव।